स्पर्मेटोसाइट से लेकर जो एक मेच्योर हेल्दी स्पर्म है उसकी जर्नी 90 दिन की होती है, मतलब 90 दिन 3 महीने, जो हमारी एंशियंट टेक्स्ट में लिखा है, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन भी मानती है। जो लोग बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन तो हेल्दी होता है, मास्टरबेशन तो आपको करना चाहिए, उससे फ्रस्ट्रेशन कम होती है, उससे एंग्जाइटी कम होती है, सब बकवास की बात है। अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आप अपने को वीक कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपका सेक्सुअल प्लेजर आना कम होगा, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होगा। आप इंटरकोर्स करिए, आप करिए, आप बच्चे करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं काफी गैप के बाद, 10 डेज के 15 डेज के बाद, तो हमेशा पाएंगे कि आपको ज्यादा हेल्दी, ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा हेल्दी सीमन मिलेगा। कौन कहता है कि वीर्य जो है वो एक दिन में बनता है, जितना मर्जी बहाओ आपके लिए हेल्दी है? जो कहता है आप उसे पकड़ के जमीन पे मारो, पीटो, ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोलता है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी ये पता लगा चुके हैं कि स्पर्म, हेल्दी स्पर्म, जो कि आप जो बच्चा कर सकता है, जो वीर्य की शक्ति होता है, उसको बनने में 90 दिन लगते हैं। अगर आपके गोली में, आपके आंड में आज स्पर्म का जो जड़ है, स्पर्म की जो कोपल है, जब फूटती है, जिसको हम लोग जो स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइट से लेकर जो एक मेच्योर हेल्दी स्पर्म है उसकी जर्नी 90 दिन की होती है, मतलब 90 दिन 3 महीने, जो हमारी एंशियंट टेक्स्ट में लिखा है, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन भी मानती है कि स्पर्म 90 दिन में बनता है। और अगर आप अपने स्पर्म को, अपने सीमन को मास्टरबेशन के माध्यम से वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को तो ख़राब कर ही रहे हैं और आपको सेक्सुअल डिफेक्ट्स तो हो रहे हैं। पर एक सेक्सुअल डिफेक्ट जो बहुत कॉमन है क्रॉनिक मास्टरबेटर्स में, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चे ना होना, इनफर्टिलिटी मतलब कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज होना, स्पर्म के अंदर डीएनए डिफेक्ट्स रहना, स्पर्म के अंदर प्रॉब्लम्स आना। तो मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट, एक यूरोलॉजिस्ट, एक MCI रजिस्टर्ड डॉक्टर, जो खुले बोलते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मास्टरबेशन अवॉइड करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ स्पर्म अलाउड नहीं है। आप इंटरकोर्स करिए, आप सेक्स करिए, आप बच्चे करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अननेसेसरीली अनकंट्रोल्ड मास्टरबेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे। अगर आपको सेक्सुअल वीकनेसेस है, अगर आपको मैस्कुलाइन रोग है, अगर आपको मेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो हमारा सेंटर आपके लिए एक अच्छा सेंटर हो सकता है। आज का टॉपिक है मास्टरबेशन और स्पर्म कॉर्न प्रॉब्लम्स, और आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढ रहे हैं, आप जो कहते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं मास्टरबेशन तो 21 बार करो महीने में, जो लोग बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन तो हेल्दी होता है, मास्टरबेशन तो आपको करना चाहिए, उससे फ्रस्ट्रेशन कम होती है, उससे एंग्जाइटी कम होती है, उससे स्ट्रेस कम होता है, सब बकवास की बात है। अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आप अपने को वीक कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपका सेक्सुअल प्लेजर आना कम होगा, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होगा, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपका सीमन क्वांटिटी खराब होगी, सीमन क्वालिटी खराब होगी, आपकी फर्टिलिटी खराब होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, और आपको हर वो प्रॉब्लम जो एक अनइंटेंडेड प्रॉब्लम है वो हो सकती है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो स्पर्म है उसको टेस्टिस से स्टार्ट से एंड तक 90 दिन का समय लगता है, जो एक साइंटिफिक ट्रूथ है। और ये स्पर्म जाके सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर होते हैं, जहाँ पर जो प्रोस्टेट है और बाकी ऑर्गन के सिक्रीशंस है, वो स्पर्म से मिलके फाइनली सीमन वॉल्यूम तैयार होता है, और ये सीमन वॉल्यूम इंटरकोर्स के ड्यूरिंग डिस्चार्ज होता है। अगर आप इंटरकोर्स भी कर रहे हैं, अगर आप सपोज 3 बार इंटरकोर्स कर रहे हैं एक रात में, तो भी आप देखेंगे कि पहली बार जितना सीमन निकलेगा, सेकेंड टाइम और कम निकलेगा, थर्ड टाइम और कम निकलेगा, और फोर्थ टाइम हो सकता है कुछ निकले ना। और अगर आप सीमन, अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं काफ़ी गैप के बाद, 10 डेज़ के 15 डेज़ के बाद, तो हमेशा पाएंगे कि आपको ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा हेल्दी सीमन मिलेगा। मेरा सीमन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, सीमन को कैसे गाढ़ा करे, स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाए, नेचुरली आप किस तरह घर बैठे अपनी बॉडी में स्पर्म को हेल्दी कर सकते हैं, इसके बारे में एक और वीडियो है, जो अगेन मैंने लिंक में दिया है, और जो वीडियो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है और लोगों ने उसको यूज़ करके फ़ायदा भी उठाया है। आज हम स्पर्म को बेटर कैसे करें की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक हैबिट की जो आप कर रहे हो, जो आपके स्पर्म को ख़राब कर रही है, और वो है मास्टरबेशन। अब होता क्या है कि मास्टरबेशन में 3 प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है कि मास्टरबेशन में आपको एक अननेचुरल सेक्सुअल अर्ज और रिस्पॉन्स को डेवलप कर रहे हो, आप एक अननेचुरल या जो एक नॉन नेचुरल मूवमेंट है उससे अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हो, आपका अराउजल पूरा नहीं आ रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन डिप हो रहा है, इस कारण से आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हेल्दीली होता नहीं है। ये स्टडीज़ में भी पाया गया है कि जो सीमन सैंपल, ये मलेशिया में और कई मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ पर लोग मास्टरबेशन नहीं, जहाँ रिलीजियसली अलाउड नहीं है, वहाँ पाया गया है कि जो सीमन सैंपल मरीज़ मास्टरबेशन करके सबमिट करता है, और जो सीमन सैंपल मरीज़ वाइफ के साथ सबमिट करता है, वो वाइफ वाला सीमन सैंपल है, उसमें ज़्यादा स्पर्म, ज़्यादा मोटिलिटी, ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा काउंट मिला है।
ऐसे ही स्टडीज़ है जो जिन्होंने पाया है कि मास्टरबेशन से दिया गया स्पर्म से किया गया IUI मतलब फर्टिलिटी जो करी गई है वो भी कम होती है, बच्चे होने की संभावना कम हो जाती है। सेकंड प्रॉब्लम जो है मास्टरबेशन की वो ये है कि मास्टरबेशन के अंदर क्योंकि पूरा अराउजल नहीं आता, इसलिए जो सीमन क्वालिटी जो डिस्चार्ज होती है वो बहुत पुअर होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब आप सेक्स करते हैं तो आप नॉर्मली पूरे अराउज होते हैं, फोर प्ले करते हैं, 15-20-30 मिनट का टाइम लगता है, उस समय में सारे सिक्रीशंस कम्प्लीटली बनते हैं और जब फाइनल डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। मास्टरबेशन में आप 1 या 2 मिनट रब करते हैं अपने आप को, ना कोई अराउजल है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई सारा पानी सारा सीमन इकट्ठा हो पाता है और जो निकलता है वो सिर्फ म्यूकस लेस निकलता है। इसलिए कई पेशेंट्स कहते हैं कि मास्टरबेशन करने के बाद कई देर तक हमें पानी गिरता रहता है, हम कई देर तक डिस्चार्ज होने के बाद भी प्री कम या म्यूकस निकलता रहता है, तो हम कंप्लीट सेटिस्फाई भी नहीं होते और सीमन की मात्रा सीमन की क्वांटिटी भी ख़राब होती है। और थर्ड प्रॉब्लम मास्टरबेशन की ये है कि मास्टरबेशन तो आप एक बार करोगे पर मास्टरबेशन के बाद अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, धात की प्रॉब्लम, नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपको कई दिनों तक परेशान करेगी। तो इसलिए मेरा आपको यही एडवाइस है कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो उसको आज ही छोड़िए। मास्टरबेशन छोड़ते ही, कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही, हेल्दी डाइट लेते ही आप देखेंगे कि आपका नाइटफॉल इम्प्रूव हो रहा है, आपकी सीमन की क्वांटिटी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, आप ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक पा रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा बन रहा है और जब आपका टाइम आएगा इंटरकोर्स करने का, जब आपका टाइम आएगा बच्चा पैदा करने का, जब आपका टाइम आएगा फर्टिलिटी प्लान करने का, आप पाएंगे कि आप उसके लिए एक मच बेटर वे में परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो आप चैनल पे पूछ सकते हैं। मास्टरबेशन और स्पर्म क्वालिटी में मेरे और भी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ गलत बताया है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका कमेंट्स में आपको जवाब दूंगा।